हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। अगर मैं आज के एपिसोड की बात करूं तो जहां हम जानते हैं कैप्टन सिंह को लेकर जमकर होते हैं घर में काफी बवाल, क्योंकि ऐसा ही एक और टास्क दे दिया है बिग बॉस ने इस बार का कैप्टनसी खेलने के लिए। जैसे हम सब जानते हैं लास्ट वीक कोई कैप्टन नहीं बना था, जिसकी वजह से घर के अंदर काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, क्योंकि लोग अपनी ड्यूटीज नहीं निभा रहे थे, लोग एक दूसरे से काफी झगड़े कर रहे थे, ये सारी चीजें देखने मिला था। वहीं बिग बॉस ने इस बार दिया है कैप्टनसी की टास्क को लेकर मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टास्क दिया है करने के लिए। लेकिन इस बार अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा टास्क को लेके बवाल होते हुए नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार पारस और सिद्धार्थ शुक्ला सेक्रेट रूम में है, जहां से बैठकर वो बिग बॉस में जितनी भी चीजें घर के अंदर हो रही है वो सारी चीजें देख रहे हैं और उस पर एक तरह से वो अपना रिव्यू भी देते हुए नजर आ रहे हैं। काफी फन मूवमेंट करते हुए दोनों नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से मैं कह सकती हूँ मिलकर वो लोगों का मजाक भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां हम सब जानते हैं मंडे नॉमिनेशन का दिन रहता है और उस नॉमिनेशन के दिन पे पारस और सिद्धार्थ शुक्ला को ये पावर मिला था कि जितने भी लोग नॉमिनेट हुए हैं उनमें से वो किसी एक को बचा सकते हैं, और उन्होंने बचाया है माहिरा को। जहां पे बाकी जितने भी लोग नॉमिनेट हैं उनमें से माहिरा से बची हैं। तो ये चीजें जहां घर के अंदर हुई थी मंडे के एपिसोड में, वहीं अगर मैं आज के एपिसोड की बात करूं तो आपको ट्यूजडे कैप्टनसी के टास्क को लेकर होता है। उससे पहले जहां हम जानते हैं मधुरिमा घर के अंदर आई हैं और विशाल और मधुरिमा की कहीं ना कहीं नजदीकियों का लोग इंतजार कर रहे थे, जहां नच बलिए के सेट में वो दोनों एक नहीं हो पाए, पर बिग बॉस हाउस में आखिरकार वो दोनों एक हो चुके हैं। या तो हम कह सकते हैं विकास गुप्ता जब से वाइल्ड कार्ड एंट्री घर के अंदर आए हैं, सब जानते हैं वो रिप्लेस किए हैं देवो को, क्योंकि देवो जितने दिन तक नहीं आ रही हैं उनका गेम अब कुछ खेलने वाले हैं विकास गुप्ता। और विकास गुप्ता जब बिग बॉस 11 में थे तो हम सभी जानते हैं मास्टरमाइंड के नाम से वो जाने जाते थे हाउस के अंदर, क्योंकि एक अलग ही तरह का गेम प्ले करते थे, पूरी चीज़ें बहुत प्लानिंग के साथ करते थे, क्या करना है कैसे करना है, जिसकी वजह से चाहे सलमान हो चाहे बिग बॉस 11 के जितने भी लोग थे, हिना खान, शिल्पा वगैरह, हर कोई उन्हें मास्टरमाइंड के नाम से बुलाया जाता था। और अफकोर्स इस भी सीजन में अफकोर्स उनको देखा जा रहा है मास्टरमाइंड के इस पर, और बिग बॉस 12 में भी वो थोड़े दिन के लिए घर के अंदर आए थे। यहाँ पर भी ऐसा माना जा रहा है कि 10-12 दिन के लिए आए हैं, जब तक देवो ठीक होकर घर के अंदर नहीं आ जाती हैं। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला को, जैसे मैं आप लोगों को बताया सीक्रेट रूम में उनको डाला गया है, सिद्धार्थ शुक्ला के हेल्थ इश्यूज को लेकर ऐसा बोला गया कि उन्हें सीक्रेट रूम में डाला गया है और वहां पे उनका इलाज अच्छी तरह हो पाएगा, जिस चीज से शहनाज काफी रोते हुए भी नजर आए, क्योंकि पारस और सिद्धार्थ शुक्ला के दम पे ही माहिरा और शहनाज एक तरह से घर के अंदर टिकी रहती थी। तो ये सारी चीजें हुई थी, पर वेल जहाँ पे मधुरिमा और विशाल एक दूसरे के साथ हो चुके हैं, विकास के समझाने पे मधुरिमा जाती हैं, वो बात करती हैं विशाल से, विशाल उन्हें माफ कर देते हैं, दोनों गले लगते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें जहाँ घर के अंदर हुई थी, वहीं माहिरा मधु को ये बात समझाते हुए नजर आई, क्योंकि मधुरिमा नॉमिनेशन में है और भाऊ है, शहनाज है, इन तीनों को, और माहिरा को तो अब कुछ बचा लिया था, बाकी ये तीनों नॉमिनेशन में है। तो मधु को ये बता रही थी माहिरा कि आप ज़्यादा करके झगड़े कीजिए, चीज़ें क्रिएट कीजिए, लोग आपको ज़्यादा नॉमिनेट करेंगे, आपका दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये सारी चीज़ें वो चिढ़ा रही थी। वही शपथ लेते हुए भी नज़र आई वो मधु के साथ, कि मधु को ये शपथ दिला रही थी माहिरा कि आप एक काम कीजिए, आप शपथ लीजिए कि आप घर में ज़्यादा झगड़ा करेंगी, आप लोगों से नॉमिनेट ज़्यादा होंगी। तो पर मधु ने मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि जी हाँ, ज़्यादा घर में अगर नॉमिनेट होने की बात है तो माहिरा होंगी। वही माहिरा को घर वाले ये भी समझाते हुए नजर आए कि अगर आपको 7 वोट मिला है तो आप समझ जाइए पूरे घर वाले आपसे नाराज है, कहीं ना कहीं गलती आपकी है, ये चीजें। वही पारस को काफी गुस्सा आया क्योंकि आसिम और माहिरा एक दूसरे के गले लगे, वहीं पे विशाल और माहिरा भी एक दूसरे के गले लग के एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आ रहे थे घर में खाना पकाने को लेकर, जिसपे पारस ने ये बात कहा कि जब तक मैं घर के अंदर था कोई उसे गले नहीं लगाता था, और ये माहिरा की बच्ची को तो मैं घर के अंदर जाके बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। जिस तरह का प्यार इन दोनों के बीच में, मैं कह सकती हूँ जलन है, अब कुछ माहिरा के लिए साफ तौर पे पारस का नजर आता है। वही शहनाज पारस से इतना प्यार करती है, पर पारस किसके होंगे तो घर में जाने के बाद ही पता चल जाएगा। पर ये दोनों जन सिद्धार्थ शुक्ला का पारस की बात करूं तो घर के बाहर भी रह के, सीक्रेट रूम में भी रह के वो गेम बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्हें पता है गेम में क्या क्या अच्छी तरह चलने वाला है। वही जब से ये चीजें डिक्लेयर हुई, वही मधु की अगर मैं बात करूं, मधुरिमा जब से नॉमिनेट हुई है वो काफी खुल के गेम के अंदर नजर आ रही हैं, वो चाहे झगड़ा करना हो किचन में खाना बनाने को लेकर, या बर्तन धोना हो, चाहे विशाल के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना हो, हर चीज में वो खुल के अब नजर आ रही है। वही बिग बॉस ने वही अगर मैं बिग बॉस की बात करूं तो बिग बॉस ने इस बार के कैप्टनसी को टास्क में दिया है, जहां पे बिग बॉस हाउस को बनाया गया है पोस्ट हाउस
जहाँ पे सारे घर वालों को, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका लेटर घर के अंदर आएगा और घर वाले जो भी है वो जाके सारे लेटर्स, मतलब किसी, बहुत सारे लेटर्स आएंगे उनके डिब्बे के अंदर, बहुत सारे लेटर्स होंगे, उनमें से किसी एक लिफाफे में ही लेटर होगा और जिसके भी हाथ में वो लेटर आएगा वो डिसाइड करेगा उसे वो लेटर देना है या नहीं देना है। नहीं देना है तो वो डिस्ट्रॉ कर देगा और कैप्टनसी का जो बोर्ड लगा रहेगा वहाँ पर अपना फोटो लगा देगा, और अगर उसने जिसको दे दिया है तो उसका फोटो वहां पे लगेगा। तो ये सारी चीजें घर के अंदर होती हुई नजर आई है। जहां पे भाऊ की अगर मैं बात करूं तो भाऊ 3-4 दिन से ये बात कंटिन्यू कह रहे थे कि उन्हें उनके बेटे का फोटो चाहिए। जिस फोटो को ना मिलने पे भाऊ ने माइक पहनना बंद कर दिया और उन्होंने बिग बॉस को काफी धमकियां भी दी हैं कि मैं अगर माइक नहीं पहन रहा हूं, मैं आपसे प्यार से कोई चीज मांग रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फायदा उठाइए, मैं अगर सीधा बन रहा हूं तो आप जरा सर पे मत चढ़िए, ये सारी चीजें उन्होंने बिग बॉस को बोला। वहीं बिग बॉस ने जब कैप्टनसी की टास्क के लिए सबको बुलाया तो उन्होंने भाऊ को ये बोला अगर आप माइक नहीं पहनेंगे तो आप इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वहीं आपके घर से लेटर आया है, आपको मौका मिल सकता है पढ़ने का। और सब जानते थे कि भाऊ को वो लेटर की कितनी ज्यादा जरूरत है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आसिम को सबसे पहले लेटर मिला और वो लेटर मिला था आरती का, पर आरती का लेटर आसिम ने उन्हें दिया और उन्हें गले लगाकर आरती ने काफी थैंक्स बोला उस लेटर को पढ़ा जो उनकी माँ ने उनके लिए लिखा था। आसिम ने ये वादा किया था कि अगर आरती या माहिरा का लेटर आएगा तो मैं उन दोनों को जरूर दूंगा। वहीं अपने उन्होंने अपना वादा निभाया, आरती को दिया, जिसके लिए आरती ने उन्हें थैंक्स कहा। और पारस और सिद्धार्थ को भी बहुत सारा स्वीट मोमेंट लगा। जहाँ पे अगर मैं शेफाली जरीवाला की बात करूँ, शेफाली जरीवाला ने जाके आसिम और विशाल को ये बात बोला कि मेरे घर से लेटर आएगा तब उसे डिस्ट्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि विकास गुप्ता जब से घर के अंदर आए उन्होंने मेरे पति का मैसेज मुझे दे दिया तो मुझे किसी के मैसेज की जरूरत नहीं है। वहीं बिग बॉस ने जहाँ बिग बॉस को ये बात पता चली उन्होंने सारे घर वाले लोगों को बुलाया और शेफाली के बारे में ये बात बोला कि शेफाली ऐसा बोलते हुए नजर आ रही है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं भी लोग पार्सल हो, आप एक काम कीजिए अगर आपके हाथ में भी वो लेटर आता आप सीधा उसे डिस्ट्रॉ कर सकते हैं। वहीं पे उसके बाद उन्होंने ये बोला शेफाली जरीवाला को आप जाइए अपना लेटर ढूंढिए और लेटर को आके अपने हाथ से खुद डिस्ट्रॉ करेंगे बिना पढ़े। उसके बाद शेफाली कुछ अजीब ही, हिमांशी के जाने के बाद शेफाली का रवैया बहुत ज्यादा ही बदलते हुए घर के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि आसिम और जहां हिमांशी ने बात भी बोला था कि आसिम और शेफाली को मैं एक दूसरे के साथ रखती थी और ये बात सच आज होते हुए नजर आई है, क्योंकि जब शेफाली की बारी आई भाऊ का लेटर बचाने की तो शेफाली ने जाके उसे डिस्ट्रॉ कर दिया, जिससे लेकर भाऊ काफी नाराज नजर आए। वो रोए भी उस बात को क्योंकि उन्हें अपने बेटे का लेटर पढ़ना था, जिस बात पे आसिम ने बोला ये औरत ही ऐसी है, ये बेकार औरत है, जिस बात पे शेफाली और आसिम का जमकर हुआ है झगड़ा। ये सारी चीजें हुई, में सारे घर वाले काफी अगेंस्ट होते हुए शेफाली के नजर आए। वहीं पर अगर मैं रश्मि की बात करूं तो रश्मि का लेटर सबसे पहले आया और रश्मि का और अगर मैं रश्मि, हाँ रश्मि को मिला था, जैसे हम सब जानते हैं विकास गुप्ता रश्मि के लिए खेल रहे क्योंकि रश्मि के हाथ में चोट लगी है और विकास गुप्ता को ये मौका मिला था कि वो जाके लेटर रश्मि को दे। लेटर रश्मि के हाथ में आया था शहनाज गिल का लेटर, पर रश्मि ने जाके उसे डिस्ट्रॉ कर दिया और शहनाज को जाके उन्होंने समझाने की कोशिश की मेरे लिए इस बार कैप्टन बनना जरूरी है, वो बच्ची है, मैं नहीं चाहती थी वो कैप्टन बने, इस तरह की चीजें। वही जब रश्मि का लेटर आया और उन्हें वो लेटर मिला, भाऊ ने उन्हें दिया, तो विकास गुप्ता ने वो लेटर छीन लिया और उसे जाके डिस्ट्रॉ कर दिया। विकास गुप्ता सही में मास्टरमाइंड माने जाते तो इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनका जाके लेटर डिस्ट्रॉ किया और उन्होंने बोला कि मुझे कैप्टन बनना है, इसमें गलत क्या है, अगर कोई कैप्टन बनना चाहता है। रश्मि का मुंह वहां छोटा हो गया क्योंकि हम सब जानते हैं विकास गुप्ता और रश्मि काफी अच्छे दोस्त है, पर जब गेम खेलने की बारी आती है विकास गुप्ता जमकर गेम खेलते हैं और सिद्धार्थ शुक्ला और पारस भी जब अंदर ये गेम देख रहे तो उन्होंने बोला रियल में मास्टर माइंड है, क्योंकि उन्होंने पूरा गेम एक तरह से पलट दिया। वहीं शहनाज काफी नाराज नजर आ रही थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इतने टाइम से एटलीस्ट वो लेटर पढ़ने मिलना चाहिए था जो उन्हें मौका नहीं मिला, जिस चीज को लेकर आसिम भी काफी भड़कते हुए नजर आए। बोलते जब वो भाऊ बोल रहे थे तो भाऊ को आप बोल सकती थी डिस्ट्रॉ करना अगर आपको जरूरत नहीं था, पर वही विकास गुप्ता ने आपके हाथ से लिया, आपने कोई बवाल नहीं किया, आपके हाथ में चोट लगी है, मुंह तो आपका सही, आप वहां पे तो बात कर सकती थी जिस बात पे। वैसे अगर मैं आसिम की बात करूं तो ऑनेस्टी के साथ अफकोर्स वो गेम खेल रहे हैं, पर जहां माहिरा उनको अपना लेटर दे देंगी अपना भाई समझ के, वहीं आसिम उनको बाद में नहीं वो लेटर देंगे, क्योंकि कैप्टनसी का ये रेस अब लोगों के दिमाग पे चढ़ चुका है, अब हर कोई चाहता है कि वो कैप्टनसी के रेस में सबसे आगे हो और वो घर का कैप्टन बने। पर ये सारी चीज में कहीं ना कहीं भाऊ बहुत अलग तरह से मैं कह सकती हूँ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं और भाऊ अपना गेम अब नहीं खेल रहे जो उन्हें खेलना चाहिए, और भाऊ कहीं ना कहीं अब लोगों की इमोशनली बातों में पूरी तरह क्रिएट हो चुके हैं, और जहाँ वो ये बात बोल रहे हैं कि उन्हें घर पे जाना है तो अब इस हफ्ते तो ऐसा ही लग रहा है कि भाऊ ही घर से बेघर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई थी घर के अंदर। कैप्टनसी का ये जो रेस है आगे जाके कौन इसका विनर बनेगा ये तो कल के एपिसोड में हमें पता चल ही जाएगा। वही माहिरा का लेटर फाड़ने के बाद क्या माहिरा सच में जो बात बोल रही है कि वो कैप्टनसी को रद्द कर
कर देंगी, सच में उनके हाथ में इतना पावर है कि वो रद्द कर पाएंगे या नहीं। वही पारस और सिद्धार्थ शुक्ला के आने के बाद घर में कितने ज्यादा हलचल होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अरहान ने कुछ ऐसी बातें रश्मि को लेकर कही है कि वो रोड पे थी जब मैं उनकी लाइफ में गया, मैं उन्हें रोड से उठा के घर तक लेकर आया हूँ, मैंने उनकी लाइफ बनाई। ये सब जब पोल आके सिद्धार्थ शुक्ला और पारस खोलेंगे रश्मि के सामने तो क्या सच में रश्मि उनके साथ रहेंगे? एक बेटे का सच तो जान के क्या रश्मि ये जो उनकी झूठी बातें सुन के क्या उन्हें माफ करेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आपको मेरा आज का ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको सच में लगता है कि रश्मि और अरहान को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए ये भी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बोल बॉलीवुड के साथ।